मूल निवासी भारतीयों को और भारत के किसानों के समर्थन में यहाँ इकट्ठा आए हुए समस्त बहुजन समाज के लोगों को मेरा जय भीम जय मूल निवासी। साथियों, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति भारत मुक्ति मोर्चा पुरस्कृत राष्ट्रीय लेवल का ये उग्र आंदोलन करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है और इस संगठन के माध्यम से मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का पुरजोर से समर्थन करता हूँ और मेरी पूरी संगठन शक्ति के साथ में मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ में खड़ा हूँ। साथियों, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सुरेश वर्मा जी जो पिछले 40 दिनों से भारत के किसानों के समर्थन में जो वहाँ सिंधु बॉर्डर पे डटे हुए हैं, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए हमें भारत में, भारत के हर जिले में, हर तहसील में हमें किसानों के समर्थन में बहुजन समाज को खड़ा करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने साथ देना चाहिए और इसी को नजर में रखते हुए वहां दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर जो 80 से 90 साल के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग, चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो, किसी भी मौसम की परवाह न करते हुए जो डटे हुए हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो 80-90 साल के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इनसे जवान लोगों को, भारत की जो युवा पीढ़ी है उनको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस समय में, जिस उम्र में उनको घर में बैठे रहना चाहिए, उस उम्र में वो लोग जन आंदोलन के लिए रस्ते में बैठे हुए और भारत का जो युवा है, भारत के युवा ने उनसे प्रेरणा लेकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, इस आंदोलन को बड़े पैमाने में शरीक होना चाहिए पूरे भारत भर से। ऐसी गुजारिश मैं राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति के माध्यम से करना चाहता हूँ। साथियों, आज दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान भरपूर फला फुला है, जिसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति की कमी ना होने के बावजूद ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर आज भारत के तमाम मूल निवासी बहुजन भारतीयों को जो केंद्र सरकार 3 काले कानून बनाकर जो हमसे हमारी रोटी छीनने का जो काम कर रही है, उस रोटी को बचाने के लिए अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वो वहां 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आज पिछले 40 दिनों से बैठे हुए और इस बात को भारत के तमाम युवाओं ने, तमाम बहुजन समाज के लोगों ने जहन में रखकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनको साथ समर्थन करना चाहिए। साथियों, आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से जो पूरे भारत भर में जो आंदोलन की चिंगारी जो जगी हुई है, साथियों ये यूं ही नहीं हुआ है। पिछले 47 साल से बामसेप के राष्ट्रीय प्रमुख माननीय वामन मेश्राम साहब और वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में चल रहे पूरे भारत भर के संगठन पिछले 47 साल से भारत में जो जन जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं, साथियों ये उसी जन जागृति का परिणाम है। उस जन जागृति के माध्यम से आज भारत के तमाम मूल निवासी बहुजन भाई इन विदेशी ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद होने के लिए आज इकट्ठा हो रहे हैं। मेश्राम साहब के नेतृत्व में काम करने वाले जितने भी अवसर संगठन है, उनकी जो मेहनत है, वो मेहनत का फल अभी कहीं ना कहीं दिखाई देना शुरू हो गया है और इसी बात को नजर रखते हुए जो भारत का जो दुश्मन है, जो विदेशी ब्राह्मण है, वो आए दिन कुछ ना कुछ चाली चल रहा है। इस आंदोलन को दबाने के लिए वो काफी सारे हथकंडे आजमा रहा है। साथियों, मैं एक बात आपको रूबरू कराना चाहूंगा कि किसानों को जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस आंदोलन में बैठे हुए लोगों को आतंकवादी घोषित करने के लिए जो भारत का बिका हुआ मीडिया है, जो मोदी की दलाली और ब्राह्मणों की भड़वेगिरी करने वाला जो मीडिया है, उस मीडिया ने हमारे भारत के मूल निवासी किसानों को जो आतंकवादी घोषित करने का जो कार्यक्रम चलाया था, उसमें का एक सिस्टम का बिका हुआ दलाल और भड़वा अर्णब गोस्वामी, उसकी हाल ही में कुछ बातें हमारे सामने आई है, वो ऐसी है
कि पुलवामा में जो हमला किया गया था हमारे सैनिकों पर, उस हमले के दौरान जो रिपब्लिकन, जो अर्णब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक चैनल, आर चैनल, उसके दलाल और बिके हुए जो पत्रकार है, वो पुलवामा हमले के पहले 20 मिनट पहले जिस घटना पर वो हमला हुआ था, जिस घटना पर ब्लास्ट हुआ था, उस जगह पर 20 मिनट पहले वहां पर अवेलेबल थे। सवाल ये खड़ा होता है कि 20 मिनट पहले अर्णब गोस्वामी को ये खबर कहां से मिली कि वहां पुलवामा में हमला होने वाला है। साथियों, हम राष्ट्रीय आतंकवादी वाले शक्ति के माध्यम से पूरे भारत भर में ऐसे दलाल और भड़वे जो बिकी हुई मीडिया है, इनका पुरजोर विरोध करते हैं। और साथियों, जब अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, उस समय अर्णब गोस्वामी का एक स्टेटमेंट आया था कि जिस जज के पास मेरा केस चल रहा है उस जज को खरीद लो, उसके जो दलाल और भड़वे लोग हैं उनको उसने कहा था। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद अर्णब गोस्वामी को बेल मंजूर हो गया था। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस जज को विकेट लेने की बात अर्णब गोस्वामी कर रहा था, क्या वाकई में वो जज बिक गया था? अगर वो जज बिक गया था तो हम राष्ट्रीय आतंकवादी निवारण शक्ति के माध्यम से पूरे भारत भर में ये डिमांड करते हैं कि अर्णब गोस्वामी और उसको छुड़ाने में हाथ जिसका था, उस जज के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले समय पर भारत में बहुजन समाज के आंदोलन को दबाने का काम सिस्टम में बिके हुए जो लोग भी करेंगे, उन सभी का हम पूरे भारत में पुरजोर विरोध करके भारत के तमाम 85% बहुजन समाज के सामने उनको नंगा करने का काम करेंगे, बगैर किसी झिझक के और बगैर किसी डर के। राष्ट्रीय आतंकवादी शक्ति के माध्यम से मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरे भारत भर में मिश्राम साहब के और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांडी वर्मा जी के माध्यम से जो आंदोलन खड़ा किया गया है, इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में, जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैमाने में भारत के बहुजन समाज को इकट्ठा करने की जरूरत है हमें। और इसी को मद्देनजर रखते हुए समस्त बहुजन समाज के लोगों ने भारत भर में यह आंदोलन को उग्र आंदोलन में तब्दील करने की गुजारिश राष्ट्रीय आतंकवादी निवारण शक्ति के माध्यम से हम भारत के सभी मूल निवासी 85% भाइयों को करते हैं। और यहीं पर अपनी बात रखते हैं। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।